हेलो एवरीवन, नाउ वी विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.1। अब आपको 13th पार्ट दे रखे हैं, अंडर 3, अंडर 6 एंड अंडर 9, ये आपको नंबर दे रखे हैं। आपको क्या करना है कि ये एक में है या नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, साइड में हमारे फर्स्ट टर्म किया है और ये आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये यही रहेगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसके बाद आप इसको भी अलग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी जो दोनों वैल्यू आएगी ये आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो आप देख लीजिए यहाँ पे बोथ आर नॉट इक्वल, ये फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी भी नहीं बनाएगी। देन फोर्थ पार्ट आ रहा है आपके पास, स्केलिंग में नंबर दे रखे हैं आपको, आपने जो कन्वर्ट कर दिया पहले सिंपल में, 1 का स्केल 1, 3 का स्केल 9, 5 का 25, 7 का 49। अब इसके बाद सेकंड में हमारे फर्स्ट टर्म 8 आ गया, थर्ड में हमारे सेकंड में 16 आ गया, ये भी आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो सिमिलरली ये भी एपी नहीं बनाएंगे। देन आ रही है आपके पास 1 स्केयर 5 स्केयर 7 स्केयर एंड 70 डिग्री, तो उसको चेंज कर दिया स्केयर को, 1 का स्केयर 1, 5 का 25, 7 का 49, 70 डिग्री एज इट इज। अब आपने क्या करना है, 8 माइनस 7 निकालना है, 8 माइनस 7 25 माइनस 1, दैट इज 24 आ गया, 3 माइनस 8 49 माइनस 25, ये भी क्या आएगा 24 आएगा, 4 73 माइनस 49 करोगे तो ये अगेन क्या आएगा 24। इट मीन्स a के प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे a के प्लस 1 का मतलब है कि कौन सी टर्म ले रहे हो, अगर k ले रहे हो आप 2, तो यहाँ पे a2 आ गया, यहाँ पे प्लस 1 a3, मीन्स a3 माइनस a2, तो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है एवरी टाइम। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, मीन्स ये जो नंबर दे रखे हैं आपको ये एपी बनाएंगे विद कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस डी होगा कितना होगा, डी जितना यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 24। अब आपको बोला उसने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो आपने क्या करना है, लास्ट टर्म जो दे रखी है आपको 73 में डी प्लस कर दो 24, तो क्या आएगा 97। ये इससे नेक्स्ट ए नेक्स्ट टर्म आ गई 97, इससे नेक्स्ट भी क्या आ गया 97 प्लस 24 कर दो, ये क्या आएगा 121, एंड उससे नेक्स्ट भी क्या आ गई है तो 121 प्लस 24 कर दो, तो डिवाइड 145 एज अ नेक्स्ट टर्म। तो इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।